खुशी की एज 12 है, दीक्षिता की एज अपने को पता भी नहीं है। अबे सुनल, ये तो हॉरर नंबर लेके आ गई है कहीं से। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इचन व्लॉग्स। अभी जो मैं इस वाले व्लॉग में आपको चीज बताने वाला हूँ ना, आप सब कहोगे बस यही होना चाहिए था। फाइनली सोनल को, जिसकी फ्रेंड थी दीक्षिता, उसके नंबर मिल गए हैं। ठीक है, सोनल ने मेरे को बोला, सुबह उठा तभी से कॉल कर रही है। तो पहले तो मैं आज क्या क्रिकेट खेलने गया था, ठीक है, वापस आया तो मैंने उसको कॉल लगाया तो मेरे को बोले कि दीक्षिता थी, उसके नंबर मेरे को मिल गए हैं। ठीक है, अब कैसे मिले, कहां से उसके पास नंबर आया मेरे को पता नहीं है। अब वो आएगी आपके सामने, हम लोग कॉल लगाने वाले। अब कौन थी दीक्षिता, क्या था, आज सारे राज खुल जाएंगे। ठीक है, वो है अभी भी या बाकी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो एक बार सोनल को आने दो, वेट करते हैं और पता तो चलेगा कि आज क्या होने वाला है दीक्षिता को। अब पता नहीं वो झूठ बोल रही है गाइस, सच बोल रही है, इसका भी नहीं कह सकता, पर उसने मेरे को बोला है तो वेट करते हैं उसके आने का। जब तो मैं तो आ गया हूँ क्लास में, थोड़ा अंदर सोचा पहले प्रैक्टिस कर लूँ, तो प्रैक्टिस की 2-3 बार, उसके बाद में तो नीचे जाने का मन किया, फिर मैंने सोचा रहने दे सोनल को आने दे, फिर ही जाऊँगा। तो पहले कॉल लगाएंगे उसके बाद नीचे चलेंगे, ठीक है, तो उसको आने दो, गाइस वेट करते हैं। अब गाइस वो जान मुझ के सोनल लेट कर रही है, ठीक है, आधा घंटा हो गया अभी तक आ ही नहीं रही है मेरे को। कब सुबह से करीब कितनी बार तो फोन लगा दे क्या भाई, तू खुद पहले बोलती है कि जल्दी आओ, फिर तू खुद लेट आती है। अरे लेट हो गया, क्यों मैं आईब्रो बनवाने गई थी। ये तेरे क्या है सोनल, रोज कुछ ना कुछ कभी ये बनवाने गई थी तो फिर मेरे को क्यों फोन किया जल्दी आने को। मैं तो इसलिए क्योंकि मैं उस नंबर में लगा था, मैं आपको बताया नहीं दीक्षिता वाला, हां मेरे उसे कॉल लग गया, इसलिए मैंने बोला कि मुझे मिल चुका है। कैसे तो तेरे को कल, इसको कल मैंने बोला कि ढूंढ नंबर, तब तो तूने बोला है नहीं, पूरा फोन चेक कर लिया। इसमें नहीं ना, कह रही हूं ना दूसरे फोन में था। लो गाइस नंबर मिल गया, अब क्या करें, लगाएं कॉल। एक बार लगा के देखें, गलती से भी अगर नहीं उठाना तो समझ जाना कि रिंग गई थी, इस बार पक्का उठा लेगी वो। पक्का करें, हां वाह गाइस चलो फाइनली कॉल लगा रहे हम। ठीक है, अब देख लो आपके सामने जो भी होगा लगा दे, स्पीकर कर देना गाइस, स्पीकर ऑन करें। क्या कर रही है, वापस लगा, क्या कर रही है। अरे यार कॉल रिंग गई थी यार, तू यार कितना के प्रैंक करने आई है क्या आज, अब क्या है ये नहीं पता यार। तूने सुन, मैंने घर पे ट्राई किया तो रिंग गई। रहने दे, कोई नंबर नहीं है, झूठ बोल रही है, झूठ तो बोल ही मत। सच बोल रही हूं, बोल रही है गाइस ये, कोई एक बात बताओ, इतने दिन हो गए आज तक तेको दीक्षिता नाम से नंबर कोई दिखे नहीं, अचानक से इसको नंबर दिख गए। अरे मैं इतना चेक नहीं करती, वापस लगा एक बार, वापस लगा। क्या कर रही है, क्या कर रही है, इनवैलिड नंबर पे तू कॉल लगा रही है, फिर कह रही है सोनल कॉल लग कैसे नहीं रहा। सच में मैंने कॉल लगाया था, रिंग गई थी, अभी इनवैलिड कैसे आ रहा है। लास्ट बार ट्राई कर ले, लग रहा है तो कर ले, नहीं रहने दे गाइस, फाइनल ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, क्या है करना, वो लगा लगा गाइस, लगा लगा लगा। अबे तू क्या हो रहा है ये, पहले कह रहा है, पहले कह रहा है इनवैलिड गाइस, पहले बोला इनवैलिड, अब आ रहा है स्विच ऑफ। सोनल क्या नंबर लाई है तू, अरे यार मैं क्या नंबर लेके आई हूं, मेरे पास जो नंबर था मैंने वही डायल किया है। पहले गाइस इसने बोला इनवैलिड, फिर तूने बोला स्विच ऑफ, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरी स्कूल की फ्रेंड वाली वही दीक्षिता है, क्योंकि उसके अलावा मैं किसी और को जानती नहीं हूं यार। ये तो उसने मेरे को बहुत पहले भी बोला था कि वही दीक्षिता है, लेकिन अभी गाइस देख लो, पहले इनवैलिड आ रहा था, अब स्विच ऑफ आ रहा है। सोनल वापस लगा, एक और वापस लगा, अब देख क्या होता है गाइस, लास्ट बार ट्राई करते हैं, ठीक है, फाइनल बार ट्राई कर रहे हैं। उलग अबे उठाओ, उठा भी नहीं रहा है, मुझे नहीं पता। क्या है ये गाइस, अबे सोनल ये तो हॉरर नंबर लेके आ गई है कहीं से, क्या पागल हो गए, क्या हॉरर कहाँ से लेके आओ। यो एक बात बता, पहले देख, पहले इनवैलिड, उसके बाद एंगेज, फिर कॉल लग रहा है, ये क्या नंबर लाई है। रुक जा गाइस रुको, मैं आपको नंबर नहीं बता सकता, वरना मैं नंबर भी बता देता। सोनल कोई हॉरर नंबर लेके आ गई है तू, हॉरर नहीं यार मेरे
पास उस फोन में सेव था, मैं हॉरर क्यों सेव करूंगी यार। यार तू ही, तू कहां, तेरे स्कूल टाइम से सेव है क्या? हाँ। वो वाला फोन कहां है? वो वाला फोन ही घर पर है। अरे यार ये गाइस मेरे को लग रहा है ये कोई हॉरर नंबर है तेरे फोन में। ये हॉरर नंबर होते हैं, एक बार है ना सर्च कर हॉरर नंबर कौन कौन से, एक बार गूगल सर्च कर हॉरर नंबर कौन कौन से। इसे एक बार सर्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हॉरर नंबर आपको ही बता दूंगा मैं क्या होता है। रुको, हॉरर लिखा है तूने, सिर्फ हॉरर नंबर बोला है मैंने। हॉरर नंबर लिखा है, नम लिखा है, ये पूरा लिख हॉरर नंबर नंबर। हाँ ठीक है, क्रीपी नंबर्स टू कॉल, व्हाट इज हॉरर नंबर। ये ऐसे ही नंबर थे, ये वो वाला नंबर दिखा, रे वो अलग है लमसम गाइस, लेकिन लमसम मिलता जुलता है थोड़ा, पूरा अलग है, लेकिन कुछ वर्ड उसके मिल रहे हैं। तेरे फोन में सेव थे कैसे? अरे यार मेरे फ्रेंड, वो उस टाइम में वो फोन था ना मेरे पास, इसलिए मैंने सेव कर रखे थे, हम गलत नहीं हो सकते यार, वो रिंग गई है साफ साफ उस पे। अबे यार गाइस अब पता नहीं, वो नंबर तो मेरे को हॉरर लग रहे थे। नहीं यार जो नंबर है ना उसकी मम्मी, यार कॉल एक बार और कॉल लगा तो उस पे कॉल लगा, एक बार वापस, एक बार लास्ट वाला लगा ले, देखते हैं गाइस। फिर से इनवैलिड, क्या है ये, क्या कर रही है यार तू? यार डरा रही है, जानबूझ कर मेरे को। अरे मैं क्यों, पहले खुद तूने नहीं बोला, सुबह लग रहा था कॉल, अभी आपके सामने लगा कि नहीं लगा कॉल? भी यार जो हुआ आपके सामने हुआ, कैसे पर यार ये गाइस, पहले इनवैलिड आया, उसके बाद एंगेज आया, फिर कॉल लग रहा है, फिर इनवैलिड हो रहा है, ये पक्का हॉरर नंबर है। अरे यार किसी दीक्षिता के नंबर नहीं है ये, हॉरर नंबर है ये। कैसे हो सकता है? सोनल है तेरे को, जिसने भी दिए उसको तेरे को पता ही नहीं होगा। सर वो दीक्षिता के ही है क्योंकि मैंने लिए थे, तेरे को खुद को नहीं पता होगा यार, तो दीक्षिता नहीं, नहीं। क्यों सेव करूंगी? या तो तेरे को पता नहीं होगा, या उसने कुछ और बोला होगा, तूने कुछ और सेव कर लिया होगा। तो एक बात बताओ, हॉरर भी होता तो एक बार उस पे रिंग जा रही है, एक बार स्विच ऑफ आ रहा है, एक बार इनवैलिड आ रहा है, यही होता है हॉरर नंबर सोनल। अरे यार यही होता है, इसको पता ही नहीं। आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप खुद एक बार गूगल पे जाना, सर्च कर लेना हॉरर नंबर, लास्ट में इसके 666, लास्ट में कुछ जीरो भी था इसके, ठीक है, आप सर्च कर लेना गूगल पे, यही होता है सोनल, ऐसा होता है हॉरर नंबर। यार तो रिंग गई कैसे, वो उठा ही नहीं रहे। रुक जा, अपने को उससे बात करनी है ना। हाँ। एक बार अपन कॉपी भी लिख के देखे, दीक्षिता हमें आपके नंबर मिल गए, एक बार हमसे, आपको आपसे बात करनी है, ट्राई करें एक बार। गाइस एक बार नीचे चलते हैं, कॉपी भी लिखते हैं, दीक्षिता हमको आपसे बात करनी है, और क्या हमको आपसे बात करनी है, फिर क्या लिखे, हमें आपके नंबर मिल गए, हमें आपसे बात करनी, बात करनी है, एक बार लिख के देखते हैं, ठीक है। अगर ये वही दीक्षिता के नंबर है ना तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है, चला जा, चलो गाइस अभी पता चल जाएगा सच क्या है। बाकी थे सोनल ये हॉरर नंबर, सीरियसली बता रहा हूँ तेरे को, यही ऐसे ही होते हॉरर नंबर, वो मेरे को नहीं पता तुमने सेव क्यों किया, पर नंबर ऐसे ही होते हैं। चलो पढ़कर खोल दे, भाई साहब कुछ है तो नहीं, सही है ना सब कुछ, ठीक है, ओके ठीक है गाइस, तो अंदर जा रहे हैं अब किचन के, ओके। क्या है ये? अबे रुक जा, नंबर निकाल फोन से गाइस, कॉपी में वही ना सुनल, कॉपी में वही लिखा हुआ है, रुक जा सर सेम है। बे यार वो भाई साहब, गाइस आपको मैं दिखा सकता तो मैं दिखा देता आपको, मैं सेम नंबर कॉपी पे लिखे हुए हैं, लास्ट में 620, मैंने बोला 6, देख लो ये देखो लास्ट में 620, सेम के सेम नंबर लिखे हुए हैं। पर कैसे आए नंबर यहाँ पर? तेरे फोन में भी यही नाम, यही सेव है? हाँ। बाप रे बाप, ये तो सर मुझे पता है, मेरे फोन में है, इसके फोन में किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो फिर ये नंबर यहाँ कैसे आए? मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, क्या हो रहा है, किस चीज की आवाज थी, आवाज तो आई इधर से किसी चीज की। ए सोनल ये वाला दरवाजा पहले बंद करके आ जाओ, ऊपर वाला इतना खिड़की में बाहर आवाज नहीं आवे ना, बंद करके आ जाओ। गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ कि सोनल इधर आई पहले नीचे, उसने कॉपी में नंबर लिखा है और फिर अपने सेव में, ये कुछ ना कुछ तो हुआ है, कॉपी में भी वही नंबर लिखे हुए हैं। सोनल पहले नीचे आई है, मैं ऊपर था, देख लो
मैं ऊपर था, सोनल आई है, ये सोनल ने लिखा, 100% सोनल ने ही लिखा है, कैमरा होता ना तो पता चल जाता मेरे को अभी। आ रही कैसा रही सोनल, काट रहा हूँ नंबर, ये मैं नंबर काट रहा हूँ, मैं ये गाइस मैं आपको दिखा नहीं सकता ये नंबर, सीरियसली मैं दिखा देता भाई साहब, काट दिया मैंने पूरा नंबर ही। बे यार सोनल तेरे फोन में भी वही सेव, ये की है। और एक चीज और बताऊं तेरे को, दरवाजा बंद करके आई ना पक्का? खिड़की से देखते हैं। कोई है क्या बाहर? एक मिनट गाइस, एक सेकंड रुकना, कोई है बाहर ऐसा लगा, ऐसा लगा ना कोई बाहर है। इधर देख तू, कुछ पर्दे के पीछे तो नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे सुनल, कोई है दरवाजे के पीछे, दरवाजा खींचा किसी ने, पक्का दरवाजा खींचा किसी ने, जाके देखो। अरे रुक जा गाइस, किसी ने दरवाजा खींचा है, मैं बताऊं यहाँ पे खड़ा था ना अभी, मेरे को लग ही रहा था किसी ने दरवाजा कोई पीछे खड़ा है जैसे। ये देख किचन में तो पूरा कैमरा ही ऑन रखना चाहिए हमेशा ही। यार लगा जैसे, लगा सीरियसली लगा जैसे कोई है। ये मेरी बात सुन, मेरी बात सुन सोनल, एक बार अपन पूछ के देखते, खुशी से, खुशी क्या सॉरी दीक्षिता से, ये एक बार लिख दीक्षिता क्या आप वही, आप मेरी स्कूल वाली फ्रेंड हो क्या, एक बार लिख तू ठीक है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा गाइस। एक बार ये लिख रही है, अगर इसकी स्कूल की फ्रेंड ही है दीक्षिता, ओरिजिनल में वही है दीक्षिता है, तो अभी पता चल जाएगा ठीक है। कॉपी भी लिख रही है, देखते लिख एक बार, दीक्षिता क्या वही हो गया जो मतलब तेरे स्कूल में थी, और उसकी और कोई उसकी बहन भाई किसी का नाम याद नहीं है तेरे को? मुझे उसका सरनेम तक कुछ भी नहीं पता है। ठीक है चलो चलो भाई, रुको रुको अभी पता चल जाएगा आपको कि स्कूल की फ्रेंड थी इसकी या नहीं थी। अगर सोनल की स्कूल की फ्रेंड थी तो हम लोग नहीं तो उसके स्कूल चले जाएंगे, जाके पूछ लेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। बस ये पता चलना चाहिए स्कूल की फ्रेंड थी या नहीं थी, ये चीज़ लिख दिया। चलो भाई इसने देख लिया, अभी यहाँ पे लिख दिया, देख लो आप ठीक है। दीक्षिता आप सोनल के स्कूल की फ्रेंड है, चल सोनल अब पता चलेगा भाई साहब, मैं तो चाह रहा हूँ तेरी स्कूल की फ्रेंड हो। नहीं, अरे हो वही, मतलब उसकी नंबर हो, सॉरी वो नहीं हो, उसकी नंबर हो, मैं चाह रहा हूँ। बाकी गाइस कॉल का तो रियल में सबने देखा है। वही तो यार, मैंने घर पे ट्राई किया, कॉल गया था। अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं, अभी अगर सामने किचन में कोई है तो रिंग जाएगी, तू कॉल लगा एक बार। ठीक है कॉल लगा एक बार, रुक जाओ अभी देखते हैं गाइस, उसी नंबर पे लगा। अब सुनना सब, क्या बात, कॉल नहीं लग रहा? ओ भाई साहब अभी कॉल नहीं लगा, अचानक से कॉल लग गया, कोई उठाए तो बात तो करना। तो सर कट गया, उठा था एक बार कॉल? हाँ उठाया किसी ने कॉल? हाँ कहीं नहीं उठाया। अरे सच में उठाया था यार, किसने सच में कॉल उठाया? हाँ सच में उठाया था। सो हम यहाँ पे खड़े हैं, उस टाइम किसी ने कॉल उठाया उस नंबर पे, मतलब अंदर कुछ कोई। गाइस 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 खिड़की पे देखते एक बार ठीक है, कुछ दिख रहा है क्या तेरे को? देख इधर से यार, खिड़की खोल के आनी चाहिए थी सोनल अपन को, ये मैं भूल गई यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है यार यहाँ से, तो खिड़की नहीं खुली हुई है क्या? देखें छोड़ दरवाजे खोल देते हैं, तो खिड़की खुली हुई होती ना सोनल, इसका मतलब इसका मतलब यही है कोई ना कोई अंदर है भाई, इसका मतलब 100% यही है। खोलूं क्या हुआ? मुझे कुछ आवाज आई। किस चीज की? पता नहीं, इधर से आई। अरे यहीं पे अपन चैलेंज करते हैं, इस पे तो मेरे
गाइस यही जगह है जहाँ पे हम चैलेंज करते हैं। चल छोड़ आजा गाइस अंदर जा रहे हैं, ठीक है? चल सोनल भाई साहब तुम चल नंबर लाइए, वो तो सही है, कोई नहीं आगे होगा जो देख लेंगे। चल 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 ये भाई गाइस आज आंसर की जरूरत है, प्लीज कुछ ना कुछ आ जाए यार। ये आया कुछ? कुछ भी अबे यार ए यार शिट, मतलब ये स्कूल वाली नहीं है, ये पता ना भी नहीं लिखा है वहां पे गाइस ना भी नहीं लिखा हुआ ना हाँ लिखा, कुछ लिखा भी नहीं है तो कैसे पता चलेगा। तो उसके पीछे क्या था जो तेरे स्कूल में थी दीक्षिता, पीछे याद है तेरे को? इसको ये भी तो याद नहीं है यार, मुझे सिर्फ नाम याद है दीक्षिता, इसके अलावा मुझे कुछ भी, उसकी कोई बहन भाई कुछ भी नहीं पता तेरे को यार, ऐसे तो कैसे पता ही नहीं चलेगा इसकी तेरी स्कूल फ्रेंड है या कुछ पता ही नहीं चलेगा। सोच नहीं, वो तो दूसरी थी क्या दीक्षिता नाम की एक और? नहीं नहीं नहीं, तो वो मैं वो ना ये मनीषा का भाई को दीक्षिता का भाई बना दिया मैं। गाइस 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 सुन पता ही नहीं चलेगा, ये रुक जा, हो सकता है तू अगर तू रहे इधर सिर्फ, ठीक है तू इधर सिर्फ रहे और तू यहाँ, ओए गाइस ये हो सकता है किचन से ही हम कॉल लगाए, तो किचन से ही कॉल लगाते हैं क्या, बता कॉल लगा ले, लग जाए, लगा एक बार किचन से, लगा 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 गाइस वापस कॉल लगा रहे किचन से लगा, ठीक है लगा सुनने लगा गाइस वापस किचन से ही लगा रहे हम कॉल। वे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यार ये, कभी गाइस कभी इनवैलिड कभी कॉल लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता, ये कोई उल्टे सीधे नंबर है, ये हॉरर नंबर ही है ये सर, फालतू अपन ये दीक्षिता दीक्षिता के चक्कर में पड़े। अरे यार मुझे क्या पता यार, मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। अरे दरवाजा भी आगे हुआ है, लगा मेरे को ये दरवाजा आगे हुआ है, मेरे हाथ से हुआ गया, मेरा हाथ ही टच नहीं हुआ यार, मेरे हाथ में तो फोन पड़ा है। तो फिर ये बंद कैसे हुआ? अच्छा एक बार गाइस एक बार लाइट बंद करके, ठीक है एक बार सामने देखते रहे, सामने देख कुछ दिख रहा है किचन में कांच में, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि पीछे से कोई निकल रहा है, ठीक है गाइस कांच में देखो तो एक बार, हमको नहीं था आपको कुछ दिख जाए। सोने तेरा मुंह बहुत अजीब सा लग रहा है कांच में, मुझे भी लग रहा है ये नंबर, क्या मुझे भी लग रहा है। अरे यार क्या हुआ, तो क्या तुझे क्या लग रहा है, अभी कहा ना तुमने क्या मुझे भी लग रहा है। अरे एक मिनट, क्या हुआ क्या हुआ, मैं इधर खड़ी होंगी क्यों, इधर अजीब बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, क्या इधर कुछ भी नहीं है सर, मुझे लग रहा है ये सुनल सुनल तीसरी परछाई भी है, देख इधर ये तू खड़ी है हाँ। गाइस देखो ये सुनल हाँ। ये रम है हाँ। ये देख इधर ये क्या है हाँ, अबे ये क्या है, ये क्या है, अरे भाई साहब भाई साहब गाइस मेरे को नहीं, ये देख 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 देख, देख। ये क्या है, यही जगह है वो जहाँ से कोई, गाइस आपको भी बहुत बार दिखा है, आपको भी बहुत बार दिखा है कि इधर से कोई निकला है, ऐसा लगता है गाइस ऐसा लगता है, मैं सीरियसली बताऊँ जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसा लगता है, जैसे ये कांच है ठीक है, ये वाला कांच है सोनल, यहाँ से कांच से कोई निकला सीधा इस वाले कांच में और यहाँ से उस वाले कांच में, ऐसा मेरे को लगता है, मेरे को बहुत बहुत बार लगा है ऐसा यार, सकता है तू नंबर लाई थी मेरे को लगा आज तो सब सच पता चल ही जाएगा, नंबर तो लग गया था ना यार, मुझे क्या बताऊं कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। गाइस आज हम शादी में जाने वाले हैं कल से, किचन में आ भी नहीं पाएंगे फिर और कुछ नहीं पता चलेगा, कैसे न कैसे आज का दिन है अपने पास पता लगाने का, सुनिल जो पूछना है पूछ ले, कैसे लगाए जवाब भी तो नहीं कह रहे, कौन है भाई, प्रॉपर आवाज आई है भाई, प्रॉपर आवाज आई है, प्रॉपर नीचे से किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो उधर कोई है, कोई आया है क्या, है कोई, है दरवाजा खटखटाया ना, दरवाजा
नीचे देख क्यों एक बार देख लो एक बार गाइस नीचे चलते देख के आते हैं। ए, तू भी आ साथ में। क्या हुआ क्या हुआ? अरे अजीब सा पेन हुआ। अबे यार क्या है यार तू क्या हुआ? अजीब सा पेन हुआ। तू एक तो तैयार हो गया तब ना तैयार दरवाजा तो खुला है वैसे ही दरवाजा। गाइस यही है वो जब हम जिस दिन ये खोलेंगे ना मेरे को लग रहा है तभी पता चलेगा सोनल अपने को सब कुछ वैसे बात ही खुले का सीख और देखो क्या इसके अंदर है क्या कैसे पता चलेगा कुछ पता नहीं चलने वाला। ये देखो इधर लॉक लगा हुआ है छोड़ ले सोनल। गाइस भगवान भी इधर तो पर छोड़ ऊपर चलो साहब कुछ भी पता नहीं चल रहा है गाइस कुछ भी पता नहीं चल रहा हमको कुछ भी नहीं पता चल रहा। मेरे को लगा मेरे को भी ये लगा आज तो कॉल लग जाए तो अपन बात ही कर लेंगे कॉल ही नहीं लग रहा है लास्ट ये गाइस आज का दिन अगर आज कुछ नहीं पता चला कल तो 100% पता नहीं चलेगा। अब ये दरवाजा खुला ही था ना खुला ही था सोनल लास्ट अपने पास चारा है उन पूछ के देखते हैं ठीक है। दीक्षिता अरे रुक जा रुक 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 ये तो पूछ सकते वो जो तेरी स्कूल वाली दीक्षिता कितने साल की थी वो उस टाइम थी वो 15 खुशी की एज 12 है दीक्षिता की एज अपने को पता भी नहीं है। हाँ उसकी 15 थी कब कौन से ईयर की बात है वो ये अभी 2021 कैसे होगा यार। हाँ 21 सही कह रही है 21 तो 21 में थी वो 15 साल की तो 23 मतलब वो 17 साल की होनी चाहिए ठीक है। अपन एक बार दीक्षिता की एज पूछ के देखते हैं अगर 17 साल हुआ तो वही है ये ठीक है। चल गाइस एक बार एज पूछ के देखते हैं दीक्षिता की अभी सच पता चल जाएगा। सोनल अगर वही एज हुई ना तो वही है तेरे स्कूल की फ्रेंड ही है वही है हो सकता है कुछ ना कुछ किसी तेरी कोई लड़ाई तो नहीं है उससे तेरे साथ कुछ ना कुछ तो उसने या तो इसने गाइस ऐसा होता है कभी हम कुछ गलत करते हैं ना और कोई होता है जो उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो वो चीज़ रहती है अभी भी। ऐसा तो कुछ नहीं था कभी लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बीच में नहीं मतलब नॉर्मल छोटी बात पे इतना ज्यादा नहीं हुआ कभी। चल देखो तू लिख एक बार देखते गाइस क्या होता है ठीक है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कल एक बार तो देखते दीक्षिता की जाननी है ना। हाँ दीक्षिता आपकी एज क्या है ओके ठीक है चल 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 यही मौका है अपने पास होना कल से कर नहीं पाएंगे अपन कुछ बस एक बार पता चल जाए एज बस गाइस एक बार एज पता चल जाए ना अगर 17 साल हुई कैमरा मैं ऐसे बंद नहीं करूंगा अगर 17 साल हुई तो वही है भाई साहब। गाइस मैं कोशिश करूंगा कल भी मैं आ पाऊँ किचन में एक बार पर बहुत मुश्किल होगा कल तो आना कल तो यार नहीं हो पाएगा कल तो कल पर प्रोग्राम क्या है वहाँ पे हल्दी है गाइस कल प्रोग्राम है उधर वहाँ पे मुश्किल थोड़ा मुश्किल ही है किचन में आना कल हल्दी संगीत फिर बंदोली फिर शादी फिर हमको जयपुर जाना है हल्दी है संगीत है डांस भी रेडी करना है कुछ भी नहीं यार गाइस लास्ट आज लास्ट दिन है अभी नहीं पता चला ना फिर शादी के बाद ही पता चलेगा नहीं तो फिर शादी के बाद आएंगे और क्या करेंगे रुक जा इसका आंसर देख के तो चले अपन। मेरे को तो लग रहा है ये वही है पता नहीं दिल ऐसा कह रहा है कि तेरे स्कूल वाली फ्रेंड ही है वो ना बस। गाइस चलो नहीं हो तो वो भी अच्छा है वेट करते रुकना कोई है क्या कुछ आवाज़ नहीं आ रही है मेरे को नहीं लग रहा कोई आंसर आ रहा है आज कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है क्या हो रहा है आज क्या हुआ डांस क्लास के स्पीकर चल रहा है क्या दरवाजा को देखते ना गाइस अगर वही स्कूल की फ्रेंड हो ना सोनल की तो फिर रेडी रहना सोनल ये भगवान बता दे आज तो यार कोई आंसर नहीं आया यार कोई भी आंसर नहीं आया अच्छा नहीं आया क्यों तू तो खुश हो रही है यार इसमें मुझे डर लग रहा था कि कोई मेरी स्कूल वाली फ्रेंड ना हो मैं ये सोच रही थी वो भी यार गॉड वो थी तो भी सही थी नहीं यार नहीं होता वो अच्छा है वो नहीं है जो मैं सोच रही थी
कुछ भी आंसर नहीं आएगा, छोड़ो कोई फायदा नहीं है, ऊपर ही चलते हैं अपन इससे अच्छा। रहने दे गाइस, हमको शादी के लिए डांस भी रेडी करना है, वहाँ पे हम लोग डांस भी करने वाले हैं, वही डांस रेडी करते हैं। आज कुछ आज भी पता नहीं चला कुछ, मेरे को इसने बोला नंबर, मेरे को तूने बोला नंबर क्या, किसने बंद किया ये के? किसने किया? मेरे को क्या पता, मैं तो खुद तेरे साथ खड़ा हूँ। दरवाजा खराब हो गया क्या? छोड़ रहे, बंद कर आज, बंद कर गाइस, रहने दो आज यार, कल शादी में जाना है हमको, 3 दिन तक शादी के ब्लॉग आने वाले हैं मेरे को लग रहा है। अब रहने दो, अभी किचन नहीं खोलेंगे इसको, बंद थोड़े दिन, 2-3 दिन बंद रहने देते हैं ना गाइस। देखो शादी में वो भी जाना है, कल हल्दी है, मैं बता देना किसकी शादी, इसका भाई है कुलदीप, और मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, तो उसकी शादी है, कल हल्दी है, परसों उसकी बंदोड़ी है, और तरसों बारात है। बारात में हम लोग जयपुर जाएंगे, तो पूरा वो वाला ब्लॉग आपको पता चलेगा। अभी तो हमको डांस प्रैक्टिस करनी है, अभी चलते ऊपर, चले गाइस। हमने ट्राई कर लिया, देखो उसने नंबर बोला, वो नंबर ही नहीं मिला, नंबर लग नहीं रहे यार। मैं चाहता तो आपको नंबर पूरे बता सकता था, पर किसी वजह से मैं आपको नंबर नहीं बता रहा हूँ, बस ये समझ लेना। छोड़ चला जा गाइस, मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।